गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने PVR स्टडी में। साथियों, इस समय हम पढ़ रहे थे क्लास थर्ड की मैथ, और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म किया जाए। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल निसंकोच ध्यान से देखना और क्लास को पूरा देखना, बीच कभी स्किप मत करना, बीच में पूरा देखना, भगाना भुगाना मत। चलिए, आज हम पढ़ेंगे नंबर पैटर्न। साथियों, पैटर्न नाम तो आपने सुना होगा लाइफ में, चाहे वो नए ज़माने के फैशन वाले बाल का पैटर्न हो, चाहे कपड़े का पैटर्न हो, ये तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि बाल में कई तरह के पैटर्न काटे जाते हैं, चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं। कपड़े में बहुत तरह के पैटर्न बनते हैं, है ना। तो पैटर्न का मतलब तो आप समझ गए हो, लेकिन यहाँ नंबर पैटर्न क्या होता है इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा, बस थोड़ी सी बात आपको समझनी होगी। देखिए, जैसे अगर कोई पहाड़ा लिखा जाए, कोई टेबल लिखा जाए, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ये भी एक पैटर्न बना रहा है। क्यों भाई, सिंपल सी बात है यार, इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना है, 2 का है। इन दोनों के बीच का 2 का है, देखो 2 का है, ये 2 का है, बराबर बराबर का गैप कर रहा है ना। इसका मतलब अगला बंदा समझ जाएगा कि यहाँ यहाँ पर क्या भरेंगे, समझ गए ना, 2 2 बढ़ेगा। तो ये क्या है, एक पैटर्न है, नंबर पैटर्न है। इसी में अगर मैं एक दूसरा दे दूँ आपको, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि इसमें क्या भरेंगे। मान लो ये पहला सवाल हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, ये 7 हो गया, 14 हो गया, फिर यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ दिया, और ये 28 हो गया, फिर ये 35 हो गया, फिर ये 49 हो गया। इसे आप भर सकते हो खाली जगह ना, एक पैटर्न है ये। क्या है, नंबर पैटर्न है। देखो मतलब समझना, चूँकि आप थर्ड क्लास का भी मैथ पढ़ रहे हैं, तो हम आपको उसी लेवल का पढ़ाएंगे, उसके आगे नहीं ले जाएंगे, ठीक ना। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर 12A, फिर 13B, फिर 14C, तो यहाँ क्या भरेंगे, चलो बताओ। देखो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर 2 2 बढ़ रहा था हर जगह, तो यहाँ पर भी आप 2 बढ़ाओगे 12 हो जाएगा, 2 बढ़ाओगे 14 हो जाएगा, 2 बढ़ाओगे 16 हो जाएगा ना। देखो 7 2 14 हो रहा है, यानी इनके बीच में क्या है, 7 का अंतर है, इनके बीच में 7 का अंतर है, इसका मतलब लग रहा है कि 7 7 का अंतर है। तो सीधी सी बात है, 14 21 हो जाएगा, 7 4 28, फिर क्या आएगा, 7 5 35, इसके बीच में तो कुछ नहीं रहेगा भाई, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक, 7 5 35, फिर यहाँ क्या होगा, 7 6 42, मतलब वही चीज हो जैसे आगे पीछे कुछ दिया है। जैसे आपने कहावत सुना है, जैसे देखे गांव की रीत वैसे उठावे अपन भी, दादी कहती थी, दादी तो चली गई भाई, अभी हम हैं, पहले जमाने की बात है। मतलब देख करके, कहने का ये मतलब है, ये जो पुरानी कहावतें होती ना, ये फालतू नहीं होती हैं, इन्हें हिंदी में पढ़ा जाता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे देखे गांव की रीत वैसे उठाओ आपन भीत, भीत का मतलब होता है दीवार, दीवार मतलब ये दीवार जो है, गांव का रीत का मतलब गांव में आपके जैसे नियम कानून हो, जैसे लोग अपना घर बनाते हैं उसी तरह आप भी बनाइए। ये नहीं कि गाँव वाले जो है, अगर कोई ऐसा गांव है जहां पर तंबू की नगरी बसाई गई है, तो आप वहां पक्का निर्माण करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो गांव के जैसे माहौल हो आपके आसपास का, वैसे ही करिए, कहने का मतलब उसी में घुल मिल जाइए। तो वैसे यहां भी करना है, जैसे अगर यहां इनके बीच बीच में 7 7 का अंतर है, तो आप आगे भी 7 का अंतर ही करोगे, ये नहीं 12 कर दोगे, ठीक ना। देखो ये 12 ये है, फिर देखो जस्ट बाद वाला नंबर आ रहा 13, लेकिन बी लिखा है उस पर, फिर 14 है लेकिन सी है। देखो कहने का मतलब नंबर तो सीरियल से है, लेकिन उसमें ए बी सी डी ए घुसते चले जा रहे हैं, तो फिर कौन सी मुसीबत है यार, यहाँ 15 डाल दो और सी के बाद डी हो गया, 16 ई 17 एफ हो गया। तो ये था नंबर पैटर्न। इसके बाद इसमें अभी और बहुत कुछ है, अगर आप लोग कहो तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और अलग टाइप का नंबर पैटर्न। लिख लो जैसे 1 3 6 10, इसमें क्या भरेंगे, सोचो जरा, 1 3 6 10, इसमें क्या होगा आगे पैटर्न में बताओ, चलो क्या है, 1 3 6 10, अब बताओ क्या भरेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट सोचते रहो। और हाँ, अगर आप इस क्लास को ऐप में देख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को नोट करते चलें, क्वेश्चन को नोट करें, कॉपी बनाएं, समझें, ये केवल देख लेने से ही कल्याण नहीं होने वाला है, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि वीडियो तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे और एक्सपायरी बाद देख भी नहीं पाओगे, इसलिए याद रखना, नोट्स बनाओ और समझो, ज़िंदगी भर जीरो लेवल नहीं पढ़ना है, कुछ और भी करो आगे, ठीक ना।
तो ये हो गई बात पक्की। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है भाई हालचाल। देखो यार ये तीन है, इन दोनों में देखो दो का अंतर है, इन दोनों में देखो तीन का अंतर है और इन दोनों में चार का अंतर है। आप बहुत कुछ सीख गए होंगे है ना जी। पैटर्न बन रहा है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। एक और दिखा रहा हूँ, फिर आगे चलना। 1 3 7 13, 1 3 7 13, फिर यहाँ क्या भरेंगे? पैटर्न है, ये सब पैटर्न है। लुक एट द ग्रोइंग पैटर्न, फाइंड आउट व्हाट डू एड टू ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन। अंडरस्टैंड? तो देखो 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर आप 5 बढ़ाओगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 6 बढ़ाओगे तो 21 हो जाएगा, फिर 7 बढ़ाओगे तो 28 हो जाएगा। समझ गए ना, ये पैटर्न है। इसमें देखो 2 का अंतर था, इनके बीच में देखो 4 का अंतर था, इनके बीच में देखो 6 का अंतर है। कुछ बुझा रहा है? 2 का अंतर था, 4 का था, फिर 6 का है, अब 8 का अंतर होना चाहिए। इसी को पैटर्न बोलते हैं। एक अच्छा 3 की गणित पढ़ रहे हो अभी। रीजनिंग की शुरुआत यहीं पे होती है। अगर आप इसे कहीं डेमो देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक पर तो बड़े भाग्यशाली हैं। आज ही आप क्लास को ज्वाइन कर लें बेसिक मैथ। ऐसी क्लास दोबारा नहीं मिलेगी लाइफ में। ऊपर नंबर पर संपर्क करें, PVR स्टडी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और पूरा कोर्स सीखें। अभी शुरुआत हुई यहीं से। तो 8 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 13 7 20 होता है, 21 हो जाएगा। कितना बढ़ गया ये? 8। आपकी 10 बढ़ेगा तो 31 हो जाएगा और फिर 12 बढ़ेगा 12 तो 31 10 41 2 हो जाएगा 43। ये होता है नंबर पैटर्न। समझ गए ना? बाकी क्लास थर्ड में और कितना चाहो भाई, मत चाहो इससे ज़्यादा आप थर्ड में, ठीक ना? हाँ, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई करते रहना और देखते रहना घर पे। ओके, नोट करो फटाफट। ये नंबर पैटर्न है, नंबर पैटर्न है। इनमें बहुत कुछ है, अभी घुले ना तो डूबते चले जाएं। बहुत गहरा है नंबर पैटर्न, लेकिन हम ज़्यादा नहीं डूबने वाले हैं क्योंकि जैसा आपका कोर्स है ये वैसे आपको पढ़ाना है ना। बहुत बड़ा बड़ा बताने लगेंगे तभी भागने लगेगा, ही अलझाने लगेगा। 0 2 6 12, चलो 0 2 6 12, इसमें बताओ क्या भरेंगे। सोचते रहो, बताते रहो, फटाफट आगे बढ़ते रहो और मजे करते रहो। चलिए बताइए, ट्राई करते रहिए जल्दी जल्दी से। हो गई ना सारी बात? ई वाला लिखो, लिखो 11 13 8। कुछ समझ में आया? फिर 10, फिर 5। सोच के बताना, नंबर पैटर्न है, मैं नहीं बताने वाला इसे। जल्दी करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, डू 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 फास्ट। मैच द राइट पैटर्न 156। ओके, नोट करते चलो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है भाई साहब। लाइट गई क्यों? क्या हो रहा है ये सब? हो गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो अब मैं मैच करवाऊंगा। देखो साथियों, यहाँ पर इनको मैच कराना है कि कौन किससे मैच करेगा। बस थोड़ा सा आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। ध्यान से देखना, कहने का ये मतलब है, कह रहा है अबाउट 12 लीटर। कहने का मतलब कि 12 लीटर के बराबर इसमें से किस में आएगा? आई ड्राप में 12 लीटर आ सकता है, या फिर 2 मेजर मिल्क, दूध नापने वाला जो बर्तन है उसमें 12 लीटर आ सकता है, या फिर वाटर टैंक में 12 लीटर आ सकता है। बताओ, सिंपल सा दिमाग लगाना यार इसमें। ये आँख में डालने वाला ड्राफ है, ये दवाई वाला, इतना बड़ा है ये, इसमें 12 लीटर तो आएगा नहीं? आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब एक दूध नापने वाला लीटर हमारे पास तो है नहीं, कोई एक आध गिलास वगैरह दिखा दें कहो तो, छोटा सा होता है, उसमें 12 लीटर आएगा नहीं। तो भाई ये जो टंका है पानी वाला, यही 12 लीटर इसमें हो सकता है बस। लेस देन 1/2 लीटर, आधा लीटर से भी कम, आधा लीटर से भी कम यही डिब्बी में होगा। और क्या, छोटी सी है तो आधा लीटर से कम होगा। अबाउट 5 लीटर, अबाउट 5 लीटर, बोलो 5 लीटर क्या होगा? 5 लीटर तो यहाँ कुछ नहीं होगा, 5 लीटर का कुछ है नहीं, है ना? यहाँ पर एक फिगर नीचे और बना था बाल्टी वाला, वो बाल्टी मैंने बनाया नहीं, तो इसे लिख लो अबाउट 1/2 लीटर।
तो हमारा पान 2 लीटर मतलब ये लीटर का डिब्बा आधा लीटर का होगा। कहने का मतलब यहाँ कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सेंस ये लगाना है कि किस बर्तन में कितना आ सकता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ मार्कर का इंक, तो ये 15 ml का है, इसमें 15 ml मिलीलीटर आता है, लेकिन इसमें 100 ml आता है, 100 ml आता है, मार्कर का इंक है इसमें भी। बात समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे 15 ml किस में आएगा भाई, तो छोटे वाले में आएगा, 100 ml इसमें आएगा। वैसे 12 लीटर पानी इसमें आ सकता है दूध, आधा लीटर इसमें आ सकता है, आधा लीटर से कम इसमें आ सकता है। बच्चों वाली कहानी है ये, और हाँ आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ये हो गया, मैच वाला भी हो गया। अब कैन वी शेयर 160 पर है हमारा, जो कैन वी शेयर उसको भी देख लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब ख़त्म हो जाएगा। कैटरपिलर इसको सब तो आप गिनी ले जाओगे, इसमें कुछ है नहीं यार, बहुत कम है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है इसमें आगे, पूरा बने रहना हमारे साथ, अभी भागना मत। चलिए आगे देखते हैं। साथियों आगे का टॉपिक चलेगा, उसके पहले हमारी आपसे हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना है, कहानी को समझना। जिसे दादाजी ने नदियों में देखा, पापा जी ने तालाबों में देखा, हमने कुएं में देखा, नलों में देखा, और हमारे बच्चों ने बोतल में देखा, तो उसे इनके बच्चे किस में देखेंगे साहब? ये है पानी। आप लोग जो बचा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जहां तक हो सके बचाएं। दादाजी लोग पानी का यूज नदियों से करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते थे, सब कुछ होता था। पापा जी के ज़माने तक तब तक तालाब में आ गए, मतलब पानी कम हो गया। गंगा जी में देखो पानी छोड़ा जाता है। अभी हाल ही में ट्रंप जी आए हुए थे भारत के दौरे पर, उन्होंने जब आगरा का दर्शन किया तो यमुना जी में गंगा जी से पानी छोड़ा गया, जिससे वहाँ पर दिखाया जा सके कि हाँ यमुना जी में पानी भी है। तो नदियों में पानी का जो सिस्टम है ना, वो नाम मात्र का रह जाता है, कभी कभी बरसात में बढ़ता है। स्थिति आप समझ सकते हो यार, चेन्नई वगैरह देख लो, तमिलनाडु देख लो, बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पानी के लिए लोग मरते हैं। तो भाई बचाओ यार, निवेदन है यही आपसे। उसके बाद आगे चलते हैं हम टॉपिक पे अपने। बोतल में बिक रहा है, बच्चे केवल बोतल जानते हैं कि बोतल में पानी मिलता है, लेकिन इनके बच्चे जब आएंगे तो वो किस में पियेंगे फिर? बोतल से भी छोटा क्या होगा? साथियों इसमें नया अध्याय आपका शुरू होता है, कैन वी शेयर। क्लास 3 की मैथ है ये, चैप्टर नंबर 12, कैन वी शेयर, क्या हम शेयर कर सकते हैं, समझना। कक्षा 3 की गणित पढ़ रहे हो इसलिए ये सब 0 लेवल से सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। ये लड्डू है, लड्डू मीठा होता है, अब चाहे मोती का चूर का मान लो, चाहे मैदा वाला मान लो, भाई घी वाला, जो भी समझो आप लोग, ये लड्डू है। मानना वैसे भी बहुत बड़ी बात होती मैथ में। इनको समझो क्या कहना है, देर आर 10 लड्डू, यहाँ पर कुल मिला के 10 लड्डू हैं, ठीक है। देर आर इन 2 ग्रुप, ये 2 ग्रुप में दिख रहे हैं ना, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, और देर आर 5 लड्डू इन ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप में 5 लड्डू हैं। यहाँ पर 3 बातें समझ में आ रही, वो कौन कौन? पहला नंबर तो टोटल यहाँ पर कितने लड्डू हैं, टोटल आप गिन लो, 10 लड्डू हैं, है ना। दूसरी बात यहाँ पर ये समझ में आ रही कि ये लड्डू जो हैं 10 तो हैं, लेकिन 2 ग्रुप में हैं, एक 5 इधर है, 5 उधर है। तीसरी बात ये है कि प्रत्येक ग्रुप में 5 5 लड्डू हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, ये जो है किसी भी चीज़ को बांटने के लिए एक तरीका है, ठीक ना, हिसाब किताब के लिए। तो ये चीज़ याद रखना आप सभी। उसी तरह का मैं इधर एक बना दे रहा हूँ, आप लोग इसमें अपना दिमाग लगा के बताना हमें, ठीक ना। चलो जल्दी जल्दी देखो फटाफट और बना लो इसको और बताना। ये लो 3, ये 4 हो गए, ये लो। चलो इसमें भी लिखना है ऐसे, देयर आर कितने ट्राइंगल, फिर देर आर कितने ट्राइंगल इन ईच ग्रुप, देर आर कितने ग्रुप, ये सब करके बताना, ठीक है। ये केवल समझने के लिए है, लेकिन जैसे मैंने इसका बनाया लड्डू वाला, ऐसे आप ट्राइंगल वाला लिख के बताना कितना है। क्वेश्चन है आपके लिए, अभ्यास प्रश्न है, समझने वाली बात है, क्योंकि छोटे बच्चों वाला कहानी है ना ये, ठीक ना। समझ गए हो तो आगे बढ़ें, नहीं समझे हो समझ लो, रीजनिंग यहीं शुरू होती है साथियों। ये सब बचपन वाला खेला है।
एक लड़का है जिसका नाम है गुप्पू। अब गुप्पू के पास 3 प्लेट जलेबी है, जलेबी कुछ डिसमिस है, एक प्लेट में 3 ठी है, एक ठी में 4 ठी है, एक ठी में 2 ठी है। अब ये बताओ इन 3 प्लेटों में जलेबी को बराबर बराबर संख्या में करना है। दिमाग लगा के बताओ जल्दी से कितने कितनी जलेबी आएगी। ये मैंने 3 खाली प्लेट भी नीचे रख दिया है, अभी तो लड़ाई हो जाएगी भाई। अगर 3 दोस्त रहेंगे और उनको दे दिया जाएगा, भाई फलनवा के ज़्यादा काहे दे दिए, हमको 2 ही दिए, उसको 4 ठी काहे दे दिए। खाए या ना खाए लेकिन हिसाब बराबर होना चाहिए। बचपन में बहुत हुआ करता था ये, खाने को चाहे कोई एक ही खाए लेकिन मिलना बराबर चाहिए। बताइए कितना कितना आएगा। 4 3 उसमें है, इसमें 4 है, इसमें 2 ही है, अभी बैलेंस बराबर नहीं है। गिन लो टोटल कितना है, 3 4 7 2 9 है ना, तो 3 जगह बांटना है यार। सिंपल सी बात है, 3 3 रख दो, सबके हिसाब बराबर, सबकी बराबर हो जाएगी। कोई ना लड़ाई करेगा, ना कोई झगड़ा, ना कोई चिल्लाएगा, ना कोई खाएगा, काम बन गया, देखो है ना। तो ये छोटे बच्चों वाला माइंड लगाना है, चूंकि क्लास 3 की मैथ है तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ये भाग सीख रहे हो आप लोग एक तरह से, यहाँ से क्या सीख रहे हो, भाग। ठीक है, ओके, नोट कर लो जल्दी से बच्चों, जल्दी जल्दी से लिखते जाओ फटाफट। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बस सीखने की कोशिश करते रहिए। जो सीख रहा वही जिंदा है, जो सीखना बंद कर दिया वो मानो मर गया। ठीक ना, तो अंतिम सांस तक भी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके लिए, अभ्यास के लिए ध्यान से देखना। हिंदी इंग्लिश का टेंशन मत लेना, समझना बस। कह रहा कि देयर आर 21 कैंडल, पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेज, हाउ मेनी कैंडल आर दियर इन ईच बॉक्स। भाई कुछ लोगों को लग रहा होगा इंग्लिश इंग्लिश का बक रहा है, हिंदी का नहीं बोल रहा है। तो यार ये हिंदी इंग्लिश दोनों समझो। कहने का मतलब ये है कि 21 मोमबत्तियाँ हैं आपके पास। कितनी हैं, 21 मोमबत्तियाँ हैं। कह रहा कि उनको 3 बॉक्स में रखो, लेकिन बराबर बराबर आनी चाहिए। ये टोटल 21 मोमबत्ती है, उनको 3 बॉक्स में भर के रखो कहीं भी, 3 डिब्बा में, और लेकिन सब में बराबर बराबर आए, तो क्या करोगे। कह रहा है कि इक्वल आना चाहिए 3 में। हाउ मेनी कैंडल आर देयर इन ईच बॉक्स, फिर प्रत्येक बॉक्स में कितनी कैंडल आएंगी। तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडल 21 है, 1 बॉक्स में 3 होनी चाहिए, आपको 3 से इसको डिवाइड करना है। ऐसे 3 7 21 कट गना, कितना हुआ 7 ना, नीचे 0 आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब जो आएगा वो इक्वल होगा। यानी 7 7 कैंडल आप रखोगे एक एक में, कितने कितने रखोगे 7 7 कैंडल, इस तरह से ऐसे डिवाइड करके समझ लेना। अभी आप बच्चे हैं, सीख रहे हैं 3 वाली क्लास, इसके बाद अभी बड़े हो जाएंगे, बहुत जल्दी बड़ा करते हैं हम। अभी क्लास 3 का पढ़ रहे हो ना, बस 4 5 दिन बाद हम आपको क्लास 7 8 तक पहुंचा देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब पढ़ा देंगे। ये मत सोचना कि अभी 4 में है, 3 में, तो 2 साल बाद पहुंचेंगे 6ठाई में, नहीं, 2 महीने पहले पहुंच जाओगे। अगला क्वेश्चन सुनो, 5वां। करा देयर आर 18 सॉक्स, हाउ मेनी गर्ल कैन वियर दीज सॉक्स। भाई सॉक मतलब मोजा होता है, दिखाऊं जुर्राब, ये मैंने भी पहना हुआ है, अरे जो पैर में पहनते हैं। कितना है देखना समझना। कह रहा देयर आर 18 सॉक्स, कुल 18 मोजे हैं। अब बताओ इसे कितनी लड़कियां पहन सकती हैं, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। क्या लड़कियां ही पहन सकती हैं, लड़के भी पहन सकते हैं। जितनी लड़कियां इन मोजों को पहन सकती हैं उतने ही लड़के भी पहन सकते हैं। अब बताओ क्यों, क्योंकि लड़कियां और लड़कों के पैर बराबर होते हैं और मोजे पैर में ही पहने जाते हैं, है ना। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक गर्ल्स के कितने पैर होते हैं, हर कोई जानता है 2 पैर होते हैं, है ना। तो कितनी गर्ल पहन पाएंगी, सिंपल सी बात है यार, इसको 2 से भाग कर दो, ये 2 से भाग कर दो, 2 9 18 कितना है, 9 ना, यानी कि इसे 9 बॉयज या 9 गर्ल्स पहन सकते हैं। ये हो गया ख़त्म, बहुत मज़ेदार सवाल है। अगला 6ठा नंबर, कह रहा राज है 36 मिनट टू मेक रोटी। यार गजब बात है, नाम भी मेरा ही है, रोटी भी बनाना है, क्या क्या नहीं करना पड़ता ज़िंदगी में। वैसे भी हम बनाते हैं रोटी, आप लोगों में से किसको किसको रोटी बनानी नहीं आती ये बताएं। देखो बात आ जाती है ना तो फिर करना पड़ता है। हमारे एक दोस्त ने मुझे सिखाया था टेढ़ी मेढ़ी बनाना, तब से बनने लगी। कहते हैं ना कि अपने हाथ का बनाया बड़ा अच्छा लगता है, चाहे जल जाए चाहे
ना पके लेकिन बड़ा मजा आता है। हाँ तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं। राज है 36 मिनट टू मेक रोटी, वन रोटी टेक 3 मिनट, हाउ मेनी रोटी कैन ही मेक इन दिस टाइम। मतलब कहने का ये है भाई, स्कूल जाना है, 36 मिनट का टाइम है हमारे पास, कितना है 36 मिनट का टाइम है, और एक रोटी बनाने में हमें 3 मिनट लगता है। कितने मिनट लगता है? 3 मिनट लगता है। तो बताओ हम 36 मिनट में कितनी रोटी बना लेंगे, या आप कितनी रोटी बना लेंगे? हो सकता है आप लोग भाई स्मार्ट हो, थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हो, तो एक मिनट में आप दो चार बना लें, लेकिन हम तो एक मिनट में तीन, माफ़ी चाहते हैं यार, तीन नहीं, एक मिनट में नहीं, मतलब 3 मिनट में एक रोटी बनाएंगे, 3 मिनट में एक बनाएंगे। अब बताओ तो कुल मिला के 36 मिनट में कितनी रोटी बनेंगी? भाग दे लेंगे ना इसे, 36 को 3 से भाग दे लोगे, 3 एक कम 3, 6 उतार लो, 3 दूना 6, 12 आएगा ना, यानी कितनी रोटी बनेंगी? ही कैन मेक 12 रोटीज इन 36 मिनट, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन सुन लो, सातवां। देखिए जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर नहीं लिखता हूँ तो आप लोग उन्हें लिखा करिए और समझा करिए, क्योंकि सारी कहानी तो मैं बता रहा हूँ ना। देर आर 24 फुट मार्क्स ऑफ गोट, सो हाउ मेनी गोट वर देयर। बड़ा अजीब सा यार, ये कह रहा है कि फुट मार्क्स मतलब वही यार, जहाँ पे जैसे कोई भेड़ भैंस बकरी गाय चलती है मिट्टी में तो पैर बन जाता है ना। अरे आप लोग भी बिना चप्पल या चप्पल के चलोगे, कहीं बालू में चलो, जो गांव के लोग हैं उन्हें मालूम होगा, बालू में पैर जलता है, बहुत मज़ा आता है, तो पैर बन जाता है, पैर के निशान बन जाते हैं, कहीं गाय भैंस बकरी कोई जानवर जाता है अगर कच्ची मिट्टी बन जाता है ना। तो वही कह रहा है कि 24 निशान बने हैं, कितने 24, तो ये बताओ उस रास्ते से जो 24 निशान बगल बगल ऐसे बने हैं कितनी बकरियां गई होंगी। भाई एक बकरी के दो पैर होता है, कितना होता है, चार होता है ना, चार पैर होता है, तो अगर कहीं जा रही तो क्या करेगी, चारों पैर रखते जाएगी कि दो दो रखते जाएगी? चारों रखेगी ना, ऐसा नहीं दो उठाए रहेगी। तो कुल टोटल कितने हैं, 24 फुट मार्क्स बने हुए हैं, तो कितनी बकरी होंगी भाई? 6 चार से भाग दे लो भाई, चार से दे लो 6 आएगा, यानी 6 बकरियां थी, कितने थी 6 बकरियां थी। तो इस तरह से आपका इसमें का जो कॉन्सेप्ट था वो तो हमें लगता है कि पूरा हो गया, और है ये सब बेसिक ही, एकदम सीखना है आपको बस थोड़ा थोड़ा सा। तो आगे भी हम आपको इसमें कुछ करवा देते हैं। 75-76 का कह रहा है, क्वेश्चन सुन लो फटाफट। डिवाइड इंटू ग्रुप ऑफ 10 यूजिंग 10 टेबल, और डिवाइड इंटू ग्रुप ऑफ 5 यूजिंग 5 टेबल। ये सब तो आप करे ले जाओगे यार, 5 के पहाड़ा का यूज करके भाग करिए और 10 के पहाड़ा का यूज करके भाग करिए, तो ये तो आप कर ही ले जाओगे। कक्षा 3 में कुछ नहीं है, ये मान लो कि आपको 4-5 से पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें फर्ज पूरा करना है तो हम पूरा तो कर दे रहे हैं आपका क्लास, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बट कुछ हमारे ऐसे भी बच्चे हैं प्यारे प्यारे से, जो कि बच्चे वाले हैं, फिलहाल वो बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे वाले हैं आप समझ लो, फिर भी लेकिन उनको सिखाना पड़ता है। देखिए मतलब समझना, सीखना चाहिए, 5 से भाग के करके सबको सीखना है, इसमें कितना आएगा बताओ जल्दी से, सभी में 5 से भाग करना है, भाग करना सबको आता है, भागना सीखते हो लेकिन भागना मत कभी। चलो बताओ जल्दी से, एक वर्ड के यहाँ कई अर्थ निकलते हैं, कनक कनक की 100 गुनी मादकता अधिकाय, चाहे पाए बउरा चाहे खाए बउराए, सुने हो ना, हिंदी पढ़ते हो आप लोग जानते हो कि भाई हम सुने हैं बस। तो बताओ जल्दी से, इसे 5 से भाग करना है, मतलब कहने का ये है कि 5-5 के ग्रुप में अगर बांटना हो तो कितने ग्रुप बनेंगे इनके, वही तमाशा यहाँ दिखेगा। 5 से इसे भाग करोगे 2 आएगा, इसे 5 से भाग करोगे 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। कहने का मतलब अगर 15 को हम 5-5 के ग्रुप में बांटें तो 3 ग्रुप बनेगा, 25 को 5-5 के ग्रुप में बांटें तो 5 ग्रुप बनेगा, 10 को 5-5 के ग्रुप में बांटें तो 2 ग्रुप बनेगा, ठीक ना। तो यही सब है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है,
हाँ एक भरने वाला है, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगा लो। 40 में भाग दे रहे हैं, ए से बराबर है 8, क्या आएगा एक ही जगह पर? जल्दी बताओ एक ही जगह पे क्या आएगा, सोच के बताओ। क्या आएगा मतलब किससे भाग दे दें 40 को कि 8 आ जाए, बस वही बताना है, सोच के बताओ, जल्दी कमेंट करो फटाफट। हाँ बताते रहो बताते रहो। 6 से भाग करें इसको तो क्या आएगा, ये तो आप जान ही जाओगे, लेकिन अगर एक ठी हम ऐसे बना दिए ए, यहाँ 10 लिख दिए, अब बताओ इसमें एक ही जगह क्या आएगा, बस वही जैसे इधर करो वैसे इधर भी करोगे भाई, सिंपल सी बात है यार। मान लो ए से भाग किया, चलो ए से भाग करोगे तो क्या होगा, कुछ तो जाएगा ना ऊपर, तो क्या करेंगे इसको निकालेंगे कैसे, ए को ऐसे रहने दो, ये क्या करोगे 50 है ना, तो एक काम कर सकते हो आप, 50 को ऐसे रहने दो, 10 को उधर से इधर ले आओ, बराबर ए इधर चला जाएगा, काट दो 5 आएगा, मतलब ए बराबर 5, कहने का मतलब ए का मान आ गया 5। ऐसे निकालते हैं इधर उधर करके, समझ गए ना? ठीक ओके, तो बहुत अच्छे हैं आप सब। इस तरह से आप कोई भी कर लेना यार, इसमें लगभग बहुत सारे सवाल हैं, इस तरह से आप सब कर ले जाओगे, कोई मुसीबत नहीं, बस समझ लो बातों को, समझ लो बस चीज़ों को समझ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो साथियों, ये आपका था पार्ट नंबर कौन सा, 18। इसके बाद हम 13 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, स्मार्ट चार्ट, और हमारी यही कोशिश होगी कि 13 या 14 में बहुत ज़्यादा होगा तो क्लास 3 की मैथ अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, क्लास 3 की मैथ ख़त्म हो गई है, अब एक क्लास या दो क्लास, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दो क्लास मिलेगी, नहीं 3 की क्लास ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर आप इसे YouTube या Facebook पर कहीं डेमो के रूप में देख रहे हैं तो कृपया PBR स्टडी का ऐप डाउनलोड करके क्लास को ज्वाइन करें, जिससे आप पूरा कोर्स देख पाएँ। अगर इसे ऐप में देख रहे हैं तो आप निसंकोच क्लास को पूरा देखें, अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, चीज़ों को समझें, ये मत सोचें 0 लेवल लाइफ टाइम सीखेंगे, भाई इसको सीख के ख़त्म करो, कुछ और करो ज़िंदगी में आगे भी। ठीक है ना, ये मत सोचो कि हम इसके ज़िंदगी पर पढ़ते रहें, इनका नोट्स बना लो, कॉपी बना लो, समझ लो अच्छे से, बस हो गया। मिलते हैं फिर, जय हिंद। और हाँ, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच बताइए, नंबर पर संपर्क करिए, जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं वो 24 घंटे कभी भी संपर्क करें।